राहुल गांधी को आतंकी बताने पर भड़की कांग्रेस, बैराड में भाजपा के मंत्रियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर बैराड में कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में अपशब्द कहने वाले भाजपा नेताओं पर एफआईआर की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस नेताओं ने वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रघुराज सिंह और शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। विगत दिवस केंद्रीय रेल राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध अपशब्दों की बौछार की गई, उन्हें आतंकी जैसे शब्दों से संबोधित किया गया, जो कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति द्वारा सबसे बड़ा अवैधानिक कृत्य किया गया। इस कारण संपूर्ण देश में इन दोनों मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध गहरा रोष व्याप्त है और संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी से कहे अपशब्दों के कारण रोष गहरा है। इस कारण आज उक्त दोनों भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बैराड में उपस्थित होकर इन दोनों नेताओं के विरुद्ध आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। बैराड से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आपके द्वारा जी बैराड थाने में आज आवेदन दिया गया, क्या कुछ मामला है? आज हम लोग इसलिए बैराड थाने में आवेदन देने आए हैं। हमारे लोकप्रिय नेता पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के माननीय श्री राहुल गांधी जी के विरुद्ध खिलाफ कुछ लोगों ने, जैसे रवनीत सिंह बिट्टू, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रघुराज सिंह, उत्तर प्रदेश के मंत्री ने कुछ अनर्गल टिप्पणी की है। उन्हें आतंकवादी जैसे शब्दों से, जैसे आतंकवादी जैसे शब्द बोले हैं उनके विरुद्ध में, इसीलिए हम उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के उद्देश्य से आवेदन देने के लिए आए, क्योंकि इनके खिलाफ उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसके आगे आप उसके आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या आप सब तो गए चरणबद्ध, उनको आतंकवादी कहा है, उनको देशद्रोही कहा है, कई तरह के और अपमानसूचक शब्दों से उनको वो किया।